नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती भारद्वाज फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आपको बता दूं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी सदैव से ही धर्म और अध्यात्म का केंद्र रही है। काशी के कण कण में संस्कार और संस्कृति है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप काशी की अत्याधुनिक नगरी के रूप में विकसित की जा रही है, जिसकी आत्मा पुरातन किंतु काया जो कि नवीनतम है। आज काशी के अनेकों जन्ममुखी परियोजनाओं के माध्यम से सर्वांगीण एवं भयसिनोमुखी विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गौरव की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर निर्मित कराया गया है। अब भक्तगण सुगमता पूर्वक बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करने के साथ ही प्राचीन काल की भांति बाबा के धाम से ही माँ गंगा के दर्शन कर सकेंगे। दोस्तों, श्री काशी विश्वनाथ धाम के कायाकल्प का यह अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रेष्ठ नेतृत्व एवं पूज्य संत जनों के आशीर्वाद तथा काशी के महंता जनता के अपार सहयोग से संभव हुआ है। इसके लिए मैं सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सौभाग्य का विषय है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी श्री काशी विश्वनाथ धाम के भव्य स्वरूप का लोकार्पण कर चुके हैं। यह भव्य धाम अध्यात्म एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इससे सेवा के क्षेत्र, पर्यटन एवं रोजगार में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, काशी के दो परिचय बाबा और गंगा गोमुख से निकलकर, यानी कि वह स्थान जहां से शिव ने गंगा के जटाओं में स्थान दिया था। गोमुख से निकलकर माँ गंगा माता सैकड़ों किलोमीटर चलकर पतित पावनी बाबा की नगरी में आती हैं, तो श्रद्धा के भाव में डूब जाती हैं और वहीं मंथर गति से बाबा के चरण पखारने बढ़ जाती हैं। काशी विश्वनाथ गंगे के धर्म दर्शन को एकाकर कर जाती हैं। सदियों तक यह साथ बना रहा, लेकिन स्वार्थ लोलुपता के घात के इस पौराणिक स्वरूप पर आघात किया गया। विस्तार और साज सवर से निखरे दिव्य काशी श्री काशी विश्वनाथ धाम के रूप में दुनिया भर में सनातन धर्म दर्शन की पताका वर्षों बाद एक बार फिर से फहराई है। इसकी श्री श्रेयस जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, जिनके अनथक प्रयासों से काशी की वैभवशाली व समृद्धि एक बार पुनः फिर से निखर कर सामने आई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि काशी में बाबा विश्वनाथ का यह भव्य धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य उसी श्रृंखला को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे दूरदर्शी व यशस्वी नेतृत्व के संधिन्य में कार्य करने, आगे बढ़ने व भारतीय संस्कृति व भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। देश दुनिया में रह रहे भारतीय संस्कृति परंपरा सभ्यता के अनुगामी प्रत्येक भारतीय आज प्रफुल्लित है। बाबा विश्वनाथ धाम आज एक नए कलेवर में राष्ट्रीयता महात्मा गांधी जी की उस पीड़ा को दूर करने का भी माध्यम बना है, जो आज से 100 वर्ष पूर्व उन्होंने इसी काशी में आकर व्यक्त की थी। श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्रीयता का प्रतीक बन चुका है। गंगा और विश्वनाथ के मध्य राष्ट्रीयता का प्रतीक भी दिखाई दे रहा है, जो दुनिया में काशी को नई पहचान दे रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में रानी अहिल्याबाई, भारत माता, कार्तिकेय आदि शंकराचार्य की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। विश्वनाथ धाम के विकास की विस्तृतकरण व सौंदर्यीकरण से दर्शन सुगम और सरल हो चुका है, जो दुनिया में काशी को नई पहचान दे चुका है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में इन सभी मूर्तियों को स्थापित किया जा चुका है। दोस्तों, श्री काशी विश्वनाथ धाम की एक एक दीवार भूकंप रोधी है, जिसके लिए पत्थरों को पीतल की प्लेटों में जड़ा गया है। प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए लोपाक्स अल्ट्रा फिक्स नामक विशेष केमिकल का प्रयोग किया गया है। चुनार के लाल बलुआ पत्थर के साथ ही मकराना मार्बल, इटालियन ग्रेनाइट, बालेश्वर, मर्डोना कोटा और कंक्रीट
स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है। ये सभी पत्थर मंदिर परिसर में अलग अलग जगह पर लगाए गए हैं। चुनार के लाल बलुआ पत्थर से धाम की दीवारें और पिलर खड़े किए गए हैं। मकराना मलबल से मुख्य परिसर की फ्लोरिंग भी की गई है। और वहीं बता दूं कि मुख्य परिसर में प्रवेश निकास के लिए चार दिशाओं में चारों द्वारों पर 32 फीट ऊंचाई में नक्काशीदार गुलाबी पत्थरों से पूरे भव्यता के साथ आकार दिया गया है। इस परिसर में भीतरी ओर जब तब के लिए गलियारे बनाए गए हैं। चुनार के पत्थरों पर संगमरमर के चित्रमय व व्याख्यात्मक पैनलों पर शिव से जुड़े प्रसंगों के साथ ही शिव शक्ति की स्तुति महात्म्य उकेरे गए हैं। मुख्य परिसर की दीवार चुनार के पत्थरों से बनाई गई है तो फर्श में मकराना मार्बल लगाया गया है। मुख्य परिसर की दीवारें के पत्थर की मरम्मत के साथ ही स्वर्ण शिखर भी दशक बाद सुनहरी आभा से दमक उठा है। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Thank you.